पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, बीजेपी का सरकार पर हमला। शिक्षक संघ की मांगों को लेकर बोले पूर्व मंत्री नितिन नवीन, सरकार को अब शिक्षकों से कोई लेना देना नहीं, सरकार टुकड़े गैंग को एकजुट करने में व्यस्त है, सरकार शिक्षकों पर ध्यान नहीं दे रही है। और आपको बता दें, कटिहार गोली कांड पर भी नितिन नवीन की तरफ से कहा गया कि पूरे मामले में लीपापोती कर रही है राज्य सरकार। शिक्षक माध्यमिक संघ की तरफ से बिहार के सीएम नीतीश कुमार याद करने की कोशिश किया गया है उनको, कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पूरे विषय पर शिक्षक संघ से बातचीत करें ताकि उनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो सके, लेकिन पत्र का कोई जवाब अब तक नहीं मिला है। इस पर बीजेपी विधायक पूर्व मंत्री नितिन नवीन ने इस पूरे विषय पर कहा कि सरकार को अब शिक्षकों से कोई मतलब नहीं है, सरकार इन दिनों टुकड़े गैंग को एकजुट करने में लगी हुई है, यही कारण है कि सरकार शिक्षकों पर ध्यान नहीं दे पा रही है। जब शिक्षक अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं तो उन पर लाठी बरसाते हैं। वहीं कटिहार गोलीकांड पर बीजेपी विधायक नितिन नवीन ने कहा कि ये जो सरकार है ये बस लीपापोती करने का काम करती है। जिस तरीके से वहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, गोलियां उनकी तरफ से चलाई गई, इस पूरे मामले में पुलिस लीपापोती करने का काम कर रही है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत व्यस्त हैं, पूरे देश में टुकड़े टुकड़े गैंग को एकत्रित कर रहे हैं, तो समय तो लगेगा ना भाई। अभी तो वो ठगबंधन को बनाने में लगे हुए हैं, जो सबको ठगने में लगा उन लोग इसका गठबंधन बना रहे हैं। तो नीतीश जी का मिशन ही अभी दूसरा है। अब शिक्षक, यहाँ के समस्याएँ, यहाँ के डेवलपमेंट, ये सबसे कहाँ नीतीश कुमार को अब चिंता है। नीतीश कुमार अपने अधिकारियों को पूरी तरह से बचाने में लगते हैं और उन्हीं के तंत्र को विकसित करके वो इस प्रकार का अराजकता फैलाते हैं। मेरा कहना है कि अगर कुछ भी चीज़ें हैं तो न्यायिक जांच से क्यों डर रहे हैं नीतीश जी। दूध का दूध और पानी का पानी एक हो जाता, आप तो बहुत न्यायप्रिय बनते हैं, न्याय के साथ विकास, तो आज न्याय कहाँ चला गया।